हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए आलू का पराठा। क्योंकि ये आलू का पराठा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। आलू बच्चों के वेट गेन में भी बहुत हेल्प करता है और इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी समय बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल पोटैटो। यहाँ पर मैंने 2 बॉइल पोटैटो लिए हैं। इसे हम फोक की सहायता से मैश कर लेंगे। जब अच्छे से मैश हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा ही नमक डालना है इसमें आपको। तो ये मैश हो गया, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल ले रहे हैं, थोड़ा सा अजवाइन, चुटकी भर काली मिर्च, और थोड़ी सी हींग। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारी पराठे की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये हमारा गुथा हुआ आटा रखा हुआ है, इसकी हम एक लोई लेंगे, एक पेड़ा बनाएंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आटा लगा के हाथों से ही थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा बढ़ा ले रही हूँ स्टफिंग करने के लिए। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, अगर हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे बेल कर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबाते हुए हम इसको गोल करते हुए इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेंगे कि हम इसमें स्टफिंग भर पाएँ। इसके बाद हम इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे और दबाते हुए इसको थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इसको दबाते हुए, आपको गोल गोल घुमाते हुए इसको अच्छे से सील कर देना है आपको, जिससे कि जब आप इसको बेलें तो बिल्कुल भी आलू बाहर ना निकले। इस तरीके से आपको इसे अच्छे से सील कर देना है। इसके बाद आप इसे हल्के हाथों से बेलें, बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। अगर आटा आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको बेलने में दिक्कत होगी, अगर आटा आपका सॉफ्ट है तो आलू का पराठा बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। आलू किसी भी फॉर्म में आप बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आता है और आलू का पराठा तो बच्चों का फेवरेट होता है। इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को आलू का पराठा खिलाएंगे तो बहुत मज़े से खाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे खाना खाने में बड़ा परेशान करते हैं। तो इस तरीके से हम आलू का पराठा बेल लेंगे। तवा हमने गर्म कर लिया है, जैसे हम सारे पराठे बनाते हैं उसी नॉर्मल तरीके से आपको आलू का पराठा भी बनाना है। जब एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। बच्चों के लिए कोशिश करें कि आप ऑयल का पराठा ना बनाएं, घी का बनाएं, क्योंकि वेट गेन में भी बहुत हेल्प करता है और घी अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो जब एक साइड से सिक गया है और नीचे से भी थोड़ा सा सिक गया है तो अब हम इसमें घी लगाएंगे दोनों साइड, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। तो यहाँ हम इस तरीके से घी लगा रहे हैं। इसको हम पलट दे रहे हैं। दोनों साइड से घी लगा के आपको अच्छे से सेक लेना है, कहीं से भी कच्चा ना रहे। ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स अच्छे से आ गए हैं और देखिए, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छे से पक गया है ये। तो इसी तरीके से आप सारे आलू के पराठे बना सकते हैं। देखिए मेरा आलू का पराठा बन गया है। बच्चों को आप आलू का पराठा चटनी के साथ, सॉस के साथ या दही के साथ खिला सकते हैं, या आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के भी खिला सकते हैं। तो ये हमारा आलू का पराठा बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अगर आप ये पराठे बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, चाट मसाला, ये सब चीज़ें भी मिक्स करके स्पाइसी आलू का पराठा बना सकते हैं।